पुलिस का वर्दी पहन के वो लोग कहीं ना कहीं गुंडे के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से बर्बरता तरीके से हम तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उन्होंने लाठी बरसाया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित वो पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठ की पुलिंदा बांध रखे हैं। अच्छा। पटना के SSP महोदय और जिलाधिकारी महोदय, हम लोगों पे ऊपर 60 केस दर्ज हुआ है और नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर 120 केस लॉन्च होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 13 जुलाई को BJP ने पटना की सड़कों को जाम कर दिया था। आपने देखा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन डाक बंगलों के पास माहौल बिगड़ जाता है और उसके बाद पुलिस जमकर लाठियां बरसाती है। आपको मालूम है कि बीते दिन BJP के 60 से ज्यादा नेताओं के ऊपर FIR भी होता है, लेकिन अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। आपको बता दें कि BJP के कार्यकर्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने भी शिकायत पटना सिविल कोर्ट में दर्ज करा दी है। तो आज हम सीधी बात करेंगे कृष्ण जी से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पटना सिविल कोर्ट चले गए, क्यों चले गए, क्या क्या परेशानी है, किसकी शिकायत लगा दी? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव मार्च रखा गया था और बहुत ही शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम हो रहा था। गांधी मैदान से चलकर हम लोग जा रहे थे, उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इशारा पे, अच्छा तेजस्वी और नीतीश कुमार जी के इशारा पे, निश्चित तौर पे जिस अच्छा। तरीके से लाठियां और पानी के जो वाटर कैनन होते हैं, जो आंसू गैस के जो गोले होते हैं, ये गोलियां और लाठियां बरसाने का भैया आखिर कौन आदेश दिया? अच्छा, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी आदेश दिए होंगे। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी ने या तेजस्वी यादव ने यह आदेश दिया है? आखिर किसके आदेश पे इन लोगों ने हम तमाम कार्यकर्ताओं पे हमला किया और यह हमला कहीं ना कहीं आतंकवादी के तरह हमला किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे क्या आतंकवादी थे क्या? ठीक है, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए पटना सिविल कोर्ट क्यों चले गए आप? निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। शिकायत दर्ज कराई है वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है हमने। हाँ। और निश्चित तौर पे किस के ऊपर? बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पटना के जो जिला अधिकारी महोदय है, पटना के जो SSP महोदय है, पटना के जो थाना प्रभारी है कोतवाली और गांधी मैदान के अलावा 200 पुलिसकर्मी जो वर्दी पहने हुए थे, उन तमाम लोगों के ऊपर पुलिस का वर्दी पहन के वो लोग कहीं ना कहीं गुंडे के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से बर्बरता तरीके से हम तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उन्होंने लाठी बरसाया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ठीक है, मतलब आप वहां चले गए और आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, पटना DM के ऊपर और भी कई मतलब 200 पुलिस कर्मियों के ऊपर शिकायत दर्ज करा दी। अच्छा, ये बताइए कि आपने सुना होगा कि पटना SSP, पटना DM ने भी कहा है, साफ कहा है। देखिए, आप अभी कह रहे थे कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मार्च कर रहे थे, लेकिन अचानक से पुलिस ने ये बर्बरता दिखाई, लेकिन कुछ वीडियोस हमारे पास भी हैं, क्योंकि लगातार हम लोग भी ग्राउंड पर थे, हम लोग ने भी देखा था किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। पटना SSP ने भी बताया कि उनके पास CCTV फुटेज है किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। आप लोग को अनुमति नहीं थी कि गांधी मैदान से बाहर निकलिए और उसके बाद निकलते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि जब पालन नहीं कीजिएगा आदेशों का तो लाठियां तो खाना पड़ेगा ना। लाठियां चलाने का एक तरीका होता है, समझाने का एक तौर तरीका होता है। कह रहे हैं कि बहुत समझाया हमने। नहीं, बहरहाल मैं बता दूं, जिस तरीके से आप जिस फुटेज की बात कर रही है बहन, उस फुटेज को आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता के साथ साथ जो हमारे सांसद हैं उनको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा और जिस बर्बरता तरीके से उन्होंने जो मारने का जो कार्य किया है उसमें हमारे कार्यकर्ता की जान चली गई। और गाली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अच्छा, बिहार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। अगर अच्छे से हम लोगों को करने देते तो हम लोग कहते कि सरकार ने हमको अपने प्रदर्शन को करने दिया,
लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। एसएसपी पटना, एसएसपी ने, पटना डीएम ने बताया है कि आप लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया है, मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। निश्चित वो पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठ की पुलिंदा बांध रखे हैं। अच्छा। पटना के एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय। अच्छा। भैया अभी तक उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं उन्होंने सौंपनी किया? 3 से 4 दिन तो लगती ही है भैया। 3 दिन हो गया ना बहन, आपको भी जानकारी होगा, 3 दिन होने जा रहा है और वो लोग लगा रहे हैं मिर्ची का पाउडर। कौन सा ऐसा विजुअल है? कौन सा क्या आप लोग मिर्ची पाउडर नहीं लेके गए थे? यही बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। वो मिर्ची पाउडर का पत्थर जो के पत्थर फेंका आप लोगों ने, मिर्ची स्प्रे किया, ये नीतीश कुमार जी के सिपाही थे। अच्छा। जो पत्थर फेंकने वाले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो संस्कार दिया गया है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो अच्छी संस्कार का परिचय दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी पार्टी है। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीते दिन FIR होती है 60 से ज्यादा नेताओं के ऊपर बीजेपी के, और आज आप पटना सिविल कोर्ट चले जाते हैं और उसके बाद शिकायत कर देते हैं, परिवाद दायर कर देते हैं, कोई बदला तो नहीं ना ले रहे हैं? हम लोगों पे ऊपर 60 केस दर्ज हुआ है और नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर 120 केस लॉन्च होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कहीं हार ना जाइएगा। ये तो वक्त बताएगा कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। चलिए तो देखा, इन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम सवाल के जवाब दिए हैं, साफ कहा है कि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जांच में निकल कर क्या आता है और कौन गुनाहगार है और कौन सही है, ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।